ओके मनीष, आपको आप आवाज आ रही है मेरी? जी सर, ओके मनीष, चलिए बातचीत शुरू करते हैं। जी सर, आप हिंदी में बातचीत करना चाहेंगे या आप इंग्लिश में ज्यादा सर कंफर्टेबल? हिंदी सर, हिंदी हिंदी में। जी सर, तो मनीष, मैं ये चाहता हूँ कि बिना अपनी पहचान जाहिर किए, अपनी जाति, अपने धर्म का कोई उल्लेख किए बिना अपना परिचय। जी सर, सर मैं प्रयाग सर, मैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बीटेक की हुआ है कंप्यूटर जी साइंस में, और उसके पश्चात सर मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब किया 4 साल। उसके पश्चात सर सिविल सर्विसेज में तैयारी की, और सर मेरा 2017 वाले पीसीएस एग्जाम में यूपी में सर मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पे चयन हुआ है सर। अभी सर मैंने ज्वाइन नहीं किया है सर अभी तक। आपको पदावंटन हो गया है, किस जगह पर जाना है आपको? नहीं सर, अभी जिले पे सर कुछ कागजी कार्रवाई बची, जैसे सर उसमें पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट लखनऊ ऑफिस नहीं पहुंच पाया हमारे पेरेंट ऑफिस में। तो ठीक अभी है, जी सर जिले का आवंटन नहीं हुआ है। तो आप पहले से एक चयनित अधिकारी है। जी सर, मनीष, आपने इस परीक्षा में क्या विषय लिया था? ऑप्शनल सर मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सर। लोक प्रशासन से आपने ये दिया है। चलिए फिर बातचीत शुरू करते जी हैं। जी बिल्कुल, सर, प्रयागराज से आते हैं। इससे पहले कि मैं प्रयागराज से बाकी चीजें जानू, मुझे बताइए कि त्रिवेणी की संकल्पना क्या है? आखिर और तो कभी कहीं हमें सामान्यतः पूरी दुनिया में 3 नदियां मिलती दिखाई देती नहीं है। आपने तो गूगल पढ़ा होगा, पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण है कि एक ही बिंदु पर 3 नदियां मिलती जी हैं? फिर हम ये क्यों मान रहे हैं कि इलाहाबाद में ऐसा? जी सर, सर जो वास्तव में स्थिति है अभी, तो सर गंगा नदी और यमुना नदी ही सर मिलती हैं प्रयागराज में। सर सरस्वती जो मान्यता है सर, वहाँ जहाँ मिलती है वहाँ एक सर सफ़ेद रंग की धारा दिखती है, एक इसको अदृश्य धारा भी कहते हैं लोग, कई लोग की जो लोकल मान्यता है उसके हिसाब से सर, कि वहाँ सरस्वती नदी है जो बहुत पहले हुआ करती थी, लेकिन अब उनका उसका कोई भी सरस्वती नदी का सर कोई सोर्स पता नहीं चलता। तो सर इस कारण से सर उसे 3 नदियों का संगम बोलते हैं, हालांकि सरस्वती नदी वहाँ सर आप देख नहीं पाएंगे, मतलब क्योंकि है ही नहीं ऐसा कुछ। तो सर पौराणिक मान्यताएं हैं कि हाँ 3 नदियां मिलती थी सर। जी सर, ओके मनीष, और सर करंटली ऐसा कुछ नहीं। आपने तो लोक प्रशासन विषय लिया है। मुझे जी बताइए सर, कि साइमन अक्सर सेटिस्फाइसिंग की बात करते हैं, ये सेटिस्फाइसिंग की संकल्पना क्या है? ओके सर, सेटिस्फाइसिंग जो सर साइमन, हर्बर्ट साइमन तो सर बिहेवियरल थ्योरिस्ट थे, और सर इन्होंने सर बात की थी जो क्लासिकल थ्योरी थे सर, उसमें एक मैकेनिस्टिक टूल टेक्निक्स की बात थी, जहां सर इम्प्लाइज का सेटिस्फैक्शन पे बात नहीं हुआ करती थी। और जब सर हर्बर्ट साइमन आते हैं तो ये बिहेवियर की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बस एक टूल टेक्निक नहीं होती है कि बस आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पे बात करेंगे और एक टाइम स्टैम्प देंगे कितने टाइम में ये काम करना है, आपको लोगों का एम्प्लॉइज का डायरेक्टली बिहेवियर भी देखना। सेटिस्फाइसिंग संकल्पना, आई एम सॉरी टू ऑब्स्ट्रक्ट यू, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ सॉरी सर, सेटिस्फाइसिंग शब्द का क्या मतलब है? तो अंग्रेजी का शब्द लग नहीं रहा, क्या क्या कहना चाहते हैं? सफिशिएंट और सेटिस्फैक्टरी को जोड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सर एक कॉन्सेप्ट है सर कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम सर, जो ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में सर हम पढ़ते थे सर, मैं मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब। जी सर, हिसाब से जी सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में जो आपका कई सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय हैं वो बजाय राजधानी में होने के इलाहाबाद, जिनमें से जैसे आयोग का कार्यालय आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि जो हाई कोर्ट है वह प्रयागराज में है। जब महत्वपूर्ण प्रशासनिक तंत्र ही राजधानी में नहीं है तो फिर राजधानी की संकल्पना क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजधानी में हो, सब जगह तो ये राजधानी में ही होते हैं। जी सर, सर हाई कोर्ट का जहां तक सर सवाल है वो तो मध्य प्रदेश में भी सर नहीं है, भोपाल में सर जबलपुर में है, तो सर हाई कोर्ट एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसा कि सर सवाल है सर, इलाहाबाद सर इवन सर कैपिटल रहा था जो यूनाइटेड प्रोविंस था सर, तो इसलिए महत्वपूर्ण ऑफिस सर यहाँ पे इलाहाबाद में थे। और सर लखनऊ जब स्वतंत्रता के बाद सर लखनऊ को बनाया इसलिए क्योंकि सर लखनऊ से कनेक्टिविटी अच्छी है, क्योंकि इलाहाबाद की जो सर जोग्राफिकल लोकेशन है वो सर एमपी बॉर्डर पे है सर, इलाहाबाद से बस महज 40 किलोमीटर पे मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो सर एक जो सुदूर वेस्टर्न यूपी है और वहां से सर इलाहाबाद पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, इसे यही कारण रहा सर कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का एक बेंच हमने लखनऊ में भी दे रखा है सर।
और ये तो सर अक्सर इवन वेस्टर्न यूपी में भी सर ये अक्सर एक मुद्दा है कि हमें जो है एक ब्रांच जो है या फिर हाई कोर्ट की पोजीशन शिफ्ट करके एक आगरा में या फिर हमें मेरठ में भी देनी चाहिए सर, क्योंकि सर प्रशासनिक सारे कार्यालय मेनली यहीं पे पाए गए। तो स्मार्ट ये सिटी कही सर जाती है, पार्डन सर प्रयागराज एक स्मार्ट सिटी है इस योजना के तहत। जी जी सर वो मैं जब स्मार्ट सिटी प्रयागराज है गया सर। जी तो मुझे सर स्मार्टनेस कहीं दिखाई नहीं दी। इस प्रयागराज अभी आपको जी कोई सर स्मार्टनेस आसपास कहीं दिखी है क्या? क्या है, व्हाट इज स्मार्टनेस इन द स्मार्ट सिटी? व्हाट इज सो स्मार्ट अबाउट प्रयागराज? व्हाट हैज जी सर चेंज्ड? क्या बदला है? जी सर जी सर सर प्रयागराज जिले में सर जैसा कि यह जिला सर नदियों से घिरा हुआ है तीन तरफ से सर, तो इसमें जब आप शहर में जाएंगे तो शहर ही सर 5 से 10 किलोमीटर के ही सर दायरे में है। और सर जब आप प्रयागराज से सर अब सर आप जहाँ भी इलाहाबाद में आए होंगे जहाँ पे सर, तो नैनी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जूसी में भी सर कई एक रेजिडेंशियल एरिया की तरह डेवलप हो रहा है या फिर फाफामऊ साइड में डेवलप हो रहा है। तो सर जो भी आउटस्कर्ट्स है इलाहाबाद के जो मेन शहर है सर वो तो काफी डेंसड हो चुका है। तो वहाँ हालांकि कुंभ के दौरान सर पिछले कुंभ के दौरान काफी ज्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक पे है काम हुआ, मनीष, रोड्स पे काम हुआ, ट्रैफिक पे काम हुआ। आपकी बात मेरी जी समझ सर में आ गई। थैंक यू। कैन आई रिक्वेस्ट मिस्टर सरोज टू टेक? जी सर थैंक यू सर। क्या सुनील, क्या आप उसको सुन सकते हैं? सॉरी जी सर, सर अनम्यूट है। अच्छा, क्या आप उसको सुन सकते हैं? जी सर आपको हेलो। सुन सकता हूँ। अच्छा, जी सर आपका लोक प्रशासन आपका ऑप्शनल है। मेरा क्वेश्चन जो जी है सर वो संविधान से है। संविधान में संघ सरकार के लिए बजट का प्रावधान है 112 अनुच्छेद में। जी सर 112 में आगे संविधान बोलिए सर। के भाग 6 में राज्य सरकार के लिए बजट का प्रावधान है। उसका क्या आर्टिकल है? किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत जी सर जी सर उत्तर प्रदेश सर सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करती है? यस। जी सर मैं आर्टिकल बताना चाहूंगा सर। सर 112 आर्टिकल यूनियन के लिए सर, उसमें हम 90 अगर ऐड करेंगे, हमने ट्रिक बनाई थी याद करने की, तो उसमें सर वो हाँ आपका जी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आ जाएगा। जी सर तो सर उस हिसाब क्या से जी क्या आएगा जोड़ के तो बताइए कितना सर आएगा? दो सर 202 आएगा। यस, 202। जी जो मेरा सही सवाल ये है कि 112 अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति को संसद में प्रस्तुत करना है, जी और सर राज्य में ये 202 के तहत राज्यपाल को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना है, लेकिन दोनों में से कोई प्रस्तुत नहीं करते। उनके बिहाफ में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या संबंधित कोई मंत्री, जो अक्सर वित्त मंत्री, तो प्रस्तुत करते हैं। क्या वजह है इस संविधान के इस व्यवस्था को व्यवहारिक धरातल पर संसदात्मक शासन प्रणाली में लागू नहीं किया जाता? जी सर सर जैसा कि जनरली सर जब यूनियन बजट की बात होती तो सर उसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो करते हैं, और सर जब प्रस्तुत करते हैं तो ये बात बोलते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही इज प्रेजेंटिंग बजट, मतलब उनके बिहाफ पे, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर जनरली जो करता है जो प्रैक्टिस में है सर आजकल। तो सर ये क्यों व्यवहारिक नहीं है सर, क्योंकि प्रेसिडेंट एक के पास बहुत सारे तरह के क्षेत्र हैं और कहीं ना कहीं सर शायद ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता कि वो आके 1-1.5 घंटे का स्पीच दे पाए या फिर राष्ट्रपति, पूरा। राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल को है ना जी सर भारतीय लोकतांत्रिक संसदात्मक शासन प्रणाली में बहुत काम जी करने को नहीं है। वर्चुअली जी दे आर फ्री पर्सन, क्यों जी नहीं प्रस्तुत करते? जी सर अब इसमें सर अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे भी जा सकते हैं सर, कि मे बी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से मे भी नहीं वो आना चाहते, क्योंकि सर आप देखेंगे तो सर एक अच्छा ज्वाइंट बताइए, जी सर मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जो होता है केंद्र या राज्य में, वो किसका होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का होता है या राष्ट्रपति, राज्यपाल का होता है? किसका मंत्रिपरिषद होता है? जी सर मंत्रिपरिषद सर पीएम या सीएम का होता है सर, प्राइम मिनिस्टर या सीएम का।
मंत्री परिषद राष्ट्रपति और राज्यपाल का होता है। तो जब मंत्री परिषद राष्ट्रपति राज्यपाल का होता है और अपने देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं संसदात्मक शासन प्रणाली है, स्वाभाविक है ये कार्य जो है जिसमें वास्तविक शक्ति है उसको करने का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए जो बजट है उस बजट में एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल और दूसरा होता है वोट ऑन अकाउंट, दोनों मनी बिल है, धन विधेयक है। किस आधार पर आप कह सकते हैं 113, 114, 115, 116, 117, 118 तक जो भी आपको विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो धन विधेयक है, इसका क्या आधार है सर? इसके क्या संवैधानिक आधार है? जी सर, इसके 6 संवैधानिक आधार दिए गए हैं सर, और सर 6 के 6 कंडीशन सर मुझे अच्छे से नहीं याद है, लेकिन सर मेनली सर ये है सर कि ये वास्तव में दो आधार है, दो आधार बता दीजिए आप, एक आधार बता दीजिए, दो आधार है वैसे वैसे आप बता दीजिए क्या? जी सर, एक सर है कि कंसोलिडेटेड, जी सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सर कोई भी अगर धन या फिर सर उसे हम उसमें मतलब हम ट्रांजेक्ट करते हैं या फिर उसको निकाला जाए किसी पॉलिसी के लिए या फिर उसमें हम रेवेन्यू के थ्रू डालते हैं? नहीं 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 जी, कोई भी विधेयक जिसका संबंध अंशतः या पूर्णतः अनुच्छेद 110 से होगा, नंबर वन। नंबर टू, लोकसभा केंद्र में, राज्यसभा विधानसभा राज्य में के सभापति अगर उसे सर्टिफिकेट लिख कर दे देंगे कि दो कंडीशन में दैट विल बी कंसीडर्ड मनी बिल। जी सर यही, लेकिन 110 में जी सर, 110 जब मनी बिल पास हो जाने के बाद, मनी बिल पास हो जाने के बाद जी सर, विधानसभा विधान परिषद से लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाने के बाद उस पर राष्ट्रपति राज्यपाल साइन करता है कि नहीं करता है? जी सर साइन तो करेगा सर, क्यों नहीं करेगा सर? प्रायर अप्रूव, प्रायर अप्रूवल क्यों लिया सर? जी, मैं सर एक चीज सर बताना चाहूंगा सर, जो 110 के आर्टिकल की हमने बात की उसमें सर वो 6 कंडीशन लिखी हुई थी सर जो मैं बता रहा था, और सर स्पीकर ही या फिर सब तय करते हैं? जी सर जो बता रहा, 6 कंडीशन नहीं है वो, तो मनी बिल के 6 विषय हैं, 6 विषय जी सर, 6 विषय जी सर। मेरा प्रश्न है, अभी तक भारत के इतिहास में 2 बार ARC स्थापित किया गया, ARC फर्स्ट और ARC सेकंड, जी सर दोनों में मूलभूत क्या अंतर है? ARC फर्स्ट ARC सेकंड में मूलभूत अंतर क्या है? जी सर, सर ARC 1 और 2 जो है सर, ARC 1 से पहली बात तो जनता पार्टी के टाइम पे आया था और ARC 2 सर कांग्रेस टाइम पे आया। ARC रिपोर्ट जनता पार्टी के समय नहीं, आप गलत बता रहे। सर 1969 में ऐसा आया था जब बनाया गया था, जनता पार्टी नहीं था 1977 में, जनता पार्टी नहीं, सॉरी सर। और सर सेकंड जो है सर वीरप्पा मौली थे उसके चेयरमैन थे जो कांग्रेस पार्टी में था सर। जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ दोनों में अंतर, एक मौलिक अंतर बता दे प्लीज। जी सर दोनों में मौलिक अंतर ये है सर कि ARC 1 में सर हम कई सारी रिपोर्ट्स निकाले, लेकिन सर जो डिटेलिंग जो ARC 2 में थी सर वो डिटेलिंग ARC 1 में नहीं थी। और उत्तर प्रदेश, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार ARC रिपोर्ट, ARC जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके चौथा पार्ट का कैसे इस्तेमाल कर रही है? ARC सेकंड का चौथा रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार अपने शासन प्रशासन में किस प्रकार इस्तेमाल कर रही है? जी सर, ARC सेकंड सर चौथी रिपोर्ट सर एथिक्स एंड गवर्नेंस है सर, तो सर एथिक्स के लिए सर कोड ऑफ एथिक्स की बात हो रही है, तो सर उस पे काम चल रहा है सर कि कैसे एथिकल वैल्यू लेडन हम अप्रोच सर एडमिनिस्ट्रेशन में अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन किन विषयों को चार्टर है ना, सिटीजन चार्टर का विषय बनाया है? ARC रिपोर्ट सेकंड का चौथा पार्ट का अप्लाइड पार्ट सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर के कौन कौन से विषय है उत्तर प्रदेश प्रशासन में व्यवहार में? सर जैसे सर उसमें डिलीवरी ऑफ सर्विस कोई भी है अगर डिपार्टमेंट वो क्या होगी, कौन सा ग्रीवेंस रिड्रेसल का सर, ये सब चीजें सर सिटीजन चार्टर में मैंने देखी है खुद। PDS का डिलीवरी सिटीजन चार्टर में, PDS का डिलीवरी सिटीजन चार्टर में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिलीवरी, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं सारी डिलीवरी? बताइए दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना क्या है? जी सर, सर दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना सर ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रिलेटेड है, इसमें कि सर समाज के किस वर्ग के लिए? सर
सर जो भी वीकर सेक्शन है ओवर टू मुकुंद सर जी सर थैंक यू सर सो मनीष कुड यू हियर मी यस सर ओके मनीष यू आर फ्रॉम इलाहाबाद नो प्रयागराज यस सर प्रयागराज आई एम फ्रॉम प्रयागराज यस सर But before that, tell me one thing. Recently in Kanpur, there was a shootout. Yes, sir. Police Vikas Dubey was involved. Yes, sir. Into the death of 8 police personnel. Yes, sir. There could be no denying of the fact that there was a clear complicity of the police personnel and also the politicians. Yes, sir. So far, the matter which has come to light. So, what suggestions you will make? Yes, sir. So that police may function. Oh, आपकी हिंदी मीडियम है नहीं अच्छा नहीं सर इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ मैं सर मैं इंग्लिश मीडियम से लिखता हूँ जी सर स्वतंत्रता से अपना काम कर सके ईमानदारी से अपना काम कर सके इसके लिए आप किस प्रकार के सुधार की सलाह देंगे जी सर जैसे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की सर बात रही और सर तो ये क्रिमिनल एंड पॉलिटिशियंस नेक्सस की बात हो रही इस पूरे केस में कि जैसे हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन ऑफ क्रिमिनल्स जो एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं सर तो सर ये कहीं ना कहीं एक यही दृश्य फिर से दिखता है इस केस में कि पॉलिटिकल सपोर्ट था जो क्रिमिनल थे विकास दुबे और जिनके कारण सर सारा का सारा इतना ज्यादातर वो प्रोलिफरेट कर पाया तो सर इसमें अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सर पुलिस रिफॉर्म की जो भी सर 7 गाइडलाइंस 7 डायरेक्टिव्स सुप्रीम कोर्ट के अगर हम उन पे जाएंगे तो सर पुलिस एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके अलावा सर अगर हम पुलिस के सर्वेलेंस पे बात करेंगे तो सर्वेलेंस सिस्टम हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जैसे सर जो 8 पुलिस पर्सनल्स मारे गए या शहीद हुए सर हम कह सकते हैं तो सर वो उसको अवॉइड किया सकता था सर बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए जो सर मीडिया रिपोर्ट्स में है कि सर उनके पास प्रॉपर सर जो गन्स होनी चाहिए थी या प्रॉपर जो भी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था वो नहीं सर फॉलो किया गया और इवन उस टाइम से पीएसी की भी मांग की गई थी उस टाइम के जो सीईओ थे सर वो भी अप्लाई नहीं किया गया तो इन ग्लिचेस को दूर करना सर बहुत जरूरी है इस पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सुधार को लेकर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के क्या रिकमेंडेशंस हैं क्या अनुशंसाएं हैं फॉर पुलिस जी सर जी सर सेकंड एआरसी में सर सबसे बड़ी अनुशंसा सबसे बड़ा रिकमेंडेशन सर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को सर कंकरेंट लिस्ट में डालने की बात है जो सर अभी स्टेट लिस्ट में है सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है सर तो कंकरेंट लिस्ट में सर डाल के एक हम मॉडर्न पुलिस एक्ट ला सकते हैं और जो ट्रेनिंग सिस्टम है सर पुलिस की इवन नॉट ओनली सर जो एक आईपीएस लेवल ऑल इंडिया सर्विसेज में उसके नीचे की लेवल की वो हम स्टैंडर्ड बना सकते हैं क्योंकि सर क्राइम्स का नेचर बदल रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम है सर स्टेट स्टेट का सर कोऑपरेशन नहीं है बहुत जगहों पर जी सर पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से या दुष्प्रभाव से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए जी सर सर पुलिस का अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर में सर राजनीति का या पॉलिटिशियंस का सर रोल होता है जो पॉलिटिकल हेड्स हैं सर उस चीज को सर अवॉइड कर सकते हैं उसमें जो 7 डायरेक्टिव्स जैसे मैं बात कर रहा था कि कोई भी अगर सब इंस्पेक्टर एसआई लेवल के हैं तो 2 साल के ऊपर एक थाने में नहीं रहने चाहिए क्योंकि 2 साल के ऊपर ऐसा पाया गया है कि सर एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है लोकलों से लोकल पॉलिटिशियंस से या फिर सर जो उच्च अधिकारी हैं डीएसपी रैंक के ऊपर उनको कम से कम 2 साल का टेन्योर देना है जिससे कि वो अच्छे से उस एरिया के क्रिमिनल नेचर को समझ सके और अच्छे से कुछ काम कर सके सर तो ये 2 मेजर रिकमेंडेशन जो सर रोक सकती है पॉलिटिशियन ओके पवेट से एक और क्वेश्चन आपके लिए है जी सर जो मैस्लो ने सिद्धांत दिया था मोटिवेशन का सिद्धांत जी सर मोटिवेशन थ्योरी तो बताइए उसके बारे में जी सर सर मैस्लो ने सर 5 सिद्धांत दिए थे सर उसको पिरामिड के हिसाब से उन्होंने बताया था नीड्स थ्योरी बोलते हैं सर नीड हायरार्की कि इंसान की सर किसी की भी 5 नीड्स होती हैं तो सर उसमें सबसे नीचे उन्होंने सर रखा था बेसिक नीड्स जो जैसे इसको सर फिजियोग्राफी नीड्स भी बोलते हैं मतलब आपके रोटी कपड़ा मकान की फिजियोलॉजिकल नीड्स फिजियोलॉजिकल सॉरी सर सेकंड नीड पे सर सिक्योरिटी नीड्स थी सर सोशल सिक्योरिटी पे बात थी सर तीसरे पे सर सोशल एक्सेप्टेंस था सर फोर्थ पे सर सेल्फ एस्टीम था और फिफ्थ पे सर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स थी सर ये 5 नीड्स थी थर्ड पे आपने क्या कहा सर थर्ड पे सर सोशल नीड्स थी सर सोशल रिकॉग्निशन कह सकते हैं और उसके ऊपर सेल्फ एस्टीम था जी सर तो इन पे सर जी सर इस पे मेन सर सिद्धांत ये था कि एक नीड पूरी होगी तो दूसरे नीड पे सर स्विच करेंगे इस तरह सिद्धांत क्या आप मानते हैं कि एक व्यक्ति के नीड्स जो हैं इस हायरार्किकल फॉर्म में होता है जी सर निश्चित तौर पे नहीं होता और इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ सर जैसे हर्ज़बर्ग मॉडल था या फिर आगे जाके भी सर कई सारे मॉडल्स है जिसमें इसका हुआ कि नीड्स सर शिफ्ट होते रहते हैं
तो निश्चित तौर पे ये नहीं फॉलो। चलिए, तो मैस्लो के अनुसार अभी आप इस हायरार्की में किस पायदान पर हैं? जी सर, मैं कह सकता हूँ मैं सर सेल्फ एस्टीम के वाले पायदान पे चल रहा हूँ। पाकिस्तानी एड्स आपने पूरे कर लिए? काइंड ऑफ सर, जो मैं महसूस करता हूँ। ग्रेट, बढ़िया। जी सर, थोड़ा यूपी पे आते हैं, और यूपी का संबंध, इलाहाबाद का संबंध आपके चंद्रशेखर आजाद से भी रहा है। जी सर, बताइए उनके बारे में थोड़ा। सर चंद्रशेखर आजाद जो थे सर, उनका मेन सर इलाहाबाद में सर हिंदू हॉस्टल है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अभी भी है। सर हिंदू हॉस्टल के थ्रू ही सर क्रांतिकारी एक्टिविटीज की जाती थी उस टाइम पे सर। और इवन सर बहुत इवन अल्फ्रेड पार्क, जो कि अब चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे रखा गया है, वहाँ पे ही उनकी सर मृत्यु हुई थी। जो मेन इनकाउंटर था सर, जो उनका हुआ था 1931 में सर। तो ये दो मेन सर काम वहाँ पे है, और काफी क्रांतिकारी एक्टिविटीज में काफी एक्टिव रहा था इलाहाबाद सर उस टाइम। इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। जी सर, आजाद कैसे पढ़ा? सर आजाद इन्होंने खुद रख लिया कि मैं आजाद हूँ, मतलब इसीलिए सर मे भी शायद गलत है सर, मूवीज वगैरह के थ्रू जो मैंने जाना सर, क्योंकि किताब तो मुझे अच्छा पढ़ने को नहीं मिली इनके बारे में। अच्छा, जी सर। और तो जो है पूर्वांचल में कुछ नृत्य भी हैं, जैसे वहाँ नृत्य है फरुहाई नृत्य, क्या है ये फरुहाई? सॉरी सर, मैंने नहीं सुना सर, पूर्वांचल नटुआ नृत्य क्या है? जैसे मैं नृत्य नहीं सुना सर, नटुआ भी सर। ओके, प्रयागराज से एक महिला का एक म्यूजिशियन थी, गायिका भी थी, गायिका थी वो, नाम है जानकी बाई, और जिसे लोग छप्पन छुरी भी कहते थे, तो थोड़ा बताइए छप्पन छुरी के बारे में कुछ। जी सर, मैंने नाम सुना है सर, बहुत जानकारी नहीं है सर इस क्षेत्र में सर, सॉरी सर इस विषय में सर। ओके, नहीं बता। ठीक है, थैंक यू, बैक टू विजेंद्र सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके, यस सर सीधा सवाल बताइए कि जो बाइडेन और राष्ट्रपति ट्रंप में से कौन जीते कि भारत के लिए ज्यादा फायदा? सर सर हमारे संबंध सर यूएस से जो मैं देख पाया सर, ओबामा गवर्नमेंट हो चाहे ट्रंप, सर अच्छे ही संबंध रहे हैं। तो अगर सर डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं सर, तब भी अच्छे संबंध रहेंगे, क्योंकि सर वो एक व्यक्ति विशेष पे सर नहीं निर्भर करता है सर, बल्कि सर कैसे हमारे संबंध इंडिया के सर वो हमेशा अच्छे ही रहेंगे, जो मुझे मुझसे महसूस होता है। अगर हम भारत में नेतृत्व परिवर्तन को देखें तो उसके बाद तो हमारे सब देशों से संबंध बदले हैं, तो ये कहना तो बहुत ज्यादा आदर्शवादी कथन हुआ कि नेता कोई भी आए संबंध नहीं बदल। नहीं सर, जैसे H-1B वीजा की क्या स्थिति है, वीजा की क्या हालत है, आप जान ही रहे हैं सर। जैसे मैं सर इसके लिए एग्जांपल सर रशिया देना चाहूंगा सर, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी चाहे सर बीजेपी गवर्नमेंट है सर, जो हमारे सर रशिया के साथ संबंध है सर, वो तब भी अच्छे सर अभी भी अच्छे हैं। तो इसलिए सर जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं सर, वो उस देश की लोकतांत्रिक देश है सर, वहां तो ये है कि वहां पर नेतृत्व परिवर्तन हुआ ही नहीं है, तो साधारण सी बात है। आप तो उल्टा इसके ठीक विपरीत को सिद्ध कर रहे हैं। भारत में नेतृत्व परिवर्तन के बाद हमारे संबंध चीन से बिगड़े, हमारे संबंध नेपाल से बिगड़े, हमारे संबंध लगभग लगभग बहुत सारे देशों से, फर्क तो पड़ता है, लेकिन हम फिलहाल भारत की बात नहीं कर रहे। मैं जानना चाह रहा हूँ भारत के हित में क्या होगा जी सर, ट्रंप को एक और टर्म मिल जाए या फिर जो बाइडेन। सर जैसा कि सर वीजा पॉलिसी के हिसाब देखेंगे सर, तो बाइडेन आएंगे तो निश्चित तौर पर सर ज्यादा फायदा होगा सर। और जो बिडेन जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी मुख्य नीति के जो बलाघात है, पॉलिसी एम्फेसिस है, वो क्या? सर जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दो पार्टियां हैं सर, तो रिपब्लिकन सर कंजर्वेटिव्स हैं सर, जैसे जो अभी डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं कि वीजा पॉलिसी बेसिकली कि आउटसाइडर्स को ना आए, जो जॉब्स फॉर अमेरिकन वाला कॉन्सेप्ट है। और जो डेमोक्रेट्स हैं सर, वो एक फ्री ट्रेड वाला सर उनका है, ज्यादा फ्री ट्रेड पर उनका ज्यादा कंसंट्रेशन, ग्लोबलाइजेशन पे ज्यादा सेंट्रिक है वो, ज्यादा व्यापार पे सेंट्रिक है वो। तो सर कभी भी ऐसी कंट्री और ऐसा अगर आइडियोलॉजी वाली सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हमें फायदा होगा सर। डोनाल्ड ट्रंप बार बार हर चुनाव रैली में ये कह रहे हैं कि अगर जो बाइडेन आए तो अमरीका सोशलिज्म की तरफ चला जाएगा, सोशलिज्म को वो बहुत नकारात्मक तरीके से पेश करते हैं। भारत तो संविधान तो भारत को सोशलिस्ट कंट्री घोषित करता है, सोशलिज्म हमारे संविधान की उद्देशिका में। क्या लगता है आपको डोनाल्ड ट्रंप को सोशलिज्म से क्या परेशानी है, भारत से क्या परेशानी है?
जी सर, अभी सर इवन सर यूएस में नहीं सर, हर देश में सर इस टाइम कंजर्वेटिव्स वाले सर जो गवर्नमेंट सर ज्यादा प्रमोट हो रही हैं, चाहे सर वो टर्की में गवर्नमेंट बनी हो, चाहे यूएस में बनी हो, चाहे ब्राजील में बनी हो, तो सर इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है कि कंजर्वेटिज्म वाली। तो सर डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए हमेशा समस्या इंडिया से रहेगी कि अगर सोशलिस्ट वो कंट्री होगी तो सर ट्रेड को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो सर हम भी सर बेसिकली जो है वो नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज की तरफ रेगुलेशन ज्यादा है, तो ट्रेड हम संबंध हमारे अच्छे नहीं होते सर। वो सर डोनाल्ड ट्रंप एक इकोनॉमिस्ट खुद है सर, तो वो इस चीज को सर इसलिए कभी प्रमोट नहीं करते। और सर हिस्टोरिकली भी कभी सोशलिज्म को अमेरिकन कंट्री ने कभी सपोर्ट नहीं किया सर। प्रो कैपिटलिस्ट रही है वो गवर्नमेंट, प्रो सोशलिस्ट कभी नहीं रही है सर, क्योंकि सर सोशलिज्म का अगला रूप जो कम्युनिज्म की बात होती है सर, इसका एक बहुत बड़ा फियर है। ठीक है मनीष, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। वी आर सेंडिंग यू टू द वेटिंग रूम फॉर अ व्हाइल एंड देन वी विल लेट यू इन अगेन। ठीक है, थैंक यू सर। सो मनीष, हाउ आर यू, क्या स्थिति है, कैसा गया इंटरव्यू, कौन से क्षेत्र हैं जहां लग रहा है ठीक कर रहे हैं और कहां लग रहा है कि सर यहां तो सुधार करना पड़ेगा? सर बहुत अच्छा, तो मैं इसको रेट नहीं करूंगा सर अभी वाला इंटरव्यू। कौन से एरियाज हैं जहां लग रहा है कि गड़बड़ हुई? सर जैसे लास्ट सवाल जो आपका था सर, उसमें मैं लगा बहुत अच्छा मैंने नहीं बता पाया आपको, जो यूएस वाला क्वेश्चन था। और सर प्रयागराज से रिलेटेड मेरी जानकारी थोड़ी मुझे लगा कमजोर है, जो सर ने पूछा उससे मैं काम नहीं कर पाया। डिपेंड करेगा, सामान्यतः अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है अब तक कि वो होम डिस्ट्रिक्ट बताने देंगे कि नहीं बताने। जी सर ठीक है, लेकिन सामान्य समझ हमारी ये है कि आप अच्छे कैंडिडेट, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपकी समझ ठीक ठाक है, कोई खास परेशानी नहीं है, पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई कोई मेजर इश्यू आपकी पर्सनालिटी में अपेरेंटली है। नॉलेज बेस पे बाय एंड लार्ज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, ये जरूर है कि यूपी स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एंड जनरली द स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है, उसे थोड़ा सा जितना संभव हो, जितना समय है उसके हिसाब से जितना रिवाइज कर सकते हैं कर लें। दो छोटे छोटे सुझाव हैं मेरे पास आपके लिए। एक का संबंध है आपके लिसनिंग एबिलिटी से। कई बार ऐसा हुआ बोर्ड मेंबर्स आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे और आपने उत्तर भी दिया, और हम ये नहीं कह सकते कि वो अनरिलेटेड उत्तर था, लेकिन वो उत्तर स्पेसिफिक जो पूछा गया था, जो आशय था, जो मंतव्य था, वहां पर नहीं था। ठीक है, ये बीटिंग अराउंड बुश वाली जो स्थिति हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि आप लिसनिंग के समय थोड़ा सा कम अटेंड आता है आपको, क्योंकि आप जो उत्तर बता रहे हैं उसके आसपास का ही, लेकिन आप हिट कहां नहीं कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली स्पॉट है उसे नहीं हिट कर रहे, उसके आसपास के उत्तर दे रहे। इसमें ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है इसको आप कवर कर सकते हैं थोड़ी सी लिसनिंग, दैट इज वन। सेकेंड इज द इशू व्हेन यू कन्फ्रंट अ बोर्ड मेंबर विद सर्टेन इंफॉर्मेशन और समथिंग, राइट? सी, एक तो यूपीएससी में शायद फिर भी गुंजाइश होती है, यूपीपीसीएस के इंटरव्यू का स्पैन इतना कम है कि अगर आपने एक बार बोर्ड मेंबर को कन्फ्रंट कर दिया तो उससे निकल पाने की गुंजाइश का स्पेस पूरे इंटरव्यू में नहीं। 10-15 मिनट का तो इंटरव्यू है, एक बोर्ड मेंबर को दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मिल पा रहे हैं, उसमें आपने उसे कन्फ्रंट कर दिया। ठीक है, भले ही आपकी मंशा ठीक हो, तो क्या होगा, बोर्ड मेंबर के पास वो हर्ट भी हो जाएगा और उस आपको रिपेयर करने का मौका भी नहीं। माई एडवाइस विल बी इन यूपी डोंट कन्फ्रंट अ बोर्ड, राइट? इवन इफ यू बिलीव दैट, सर यही बात तो मैं कह रहा था, इट हैपेंड इन द इंटरव्यू कि आप दरअसल ये कहना चाह रहे थे सर यही तो मैं कह रहा था, बोर्ड मेंबर को एग्जैक्टली इस शब्द में तो नहीं बोल सकते, तो आप उसको पैच अप कर रहे थे। डोंट डू इट, बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इससे फायदा नहीं, और अगर फायदा नहीं है तो why bother, right? Just let it pass. This is my advice to you. I mean that's a practical advice. I'm not saying it's not. अगर आपके पास दो घंटे हो तो आप बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 15 ही मिनट तो ज्यादा अच्छा है कि आप let it pass, right? Otherwise you're doing good. I'm really happy about many things. These were the few things you can work on, right? सर एक तो और चीज़